कि आज आप ये दुकान पूरे मराठवाड़े में औरंगाबाद जिले में एक नामचीन माने जाती है, लेकिन एक भी देखा जाता है इसका नाम भी होता है तो ऐसा काम भी होता है कि लोगों पर चर्चा चलती है। और रमजान का महीना चल रहा है, कितने वेरायटी कितने डिजाइन है मालूम आती है आप? देखिए भाई, हमारे पास में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वेराइटीज़ आई हुई है। जैसे रेडीमेड के अंदर नायरा सूट्स हैं हमारे पास में, और हमारा दुकान जो है ख़ास नरगिस कलेक्शन ईद और रमज़ान की ख़रीदी के लिए मशहूर है। आपको ईद की रमज़ान की ख़रीदी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ आती है हमारे पास, जैसे हर लिहाज से बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, हर लिहाज से आपको ड्रेसेस, साड़ीस, लाचे, गरारे, शरारे हर चीज़ मिलती है हमारे पास में। सर फिर और उसमें भावताओं का बताइए, आमतौर से क्या होता है जो नया पैटर्न नाम आता है ना, तो लोग तसव्वुर करते हैं कि महंगा होगा, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए। नहीं, महंगाई का तो आप छोड़ दीजिए, हमारी दुकान में कोई भी ग्राहक कहीं से भी आएगा तो उसको डायरेक्ट बॉम्बे गुजरात के रेट में कपड़े हमारे पास में, जो रेट आप यहाँ पे, जो हम लोग रेट चार्ज करते हैं वो रेट में आपको गारंटी के साथ, आप बॉम्बे भी गए गुजरात भी गए तो ये रेट में कपड़े नहीं मिलेंगे आपको। और आया सवाल नवी वेराइटी, तो हमारे होलसेल रेट्स होते हैं, जितनी भी नवी वेराइटी हम सब कम से कम रेट में धंधा करते हैं। हमारा मोर सेल लेस प्रॉफिट का हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग कम मार्जिन पर धंधा करते हैं। सर हम देखते हैं कि औरंगाबाद जिले के अंदर लोग सिटी से होलसेल माल ले आते हैं, छोटे व्यापारी है, गंगापुर है, पैठन है, वैजापुर है, क्या ऐसे व्यापारी अगर आपसे संपर्क करें तो है ना, हमारे पास हर किस्म के व्यापारी के लिए फैसिलिटीज है। हमारे पास में आपको कम रेट से लेके 500 रुपये से लेके ड्रेसेस है, घर बैठे औरतें भी जो है हमारे से कपड़ा होलसेल में खरीद के लेके जाती है, और बहुत सारे मार्केट के अंदर भी कई दुकानों में हमारे पास से होलसेल कपड़ा जाता है। सर हमारे औरंगाबाद शहर में अल्लाह के एक नेक बंदे ऐसी भी है कि जो गरीबों को ईद कराना चाहते हैं, तो आपके पास जैसा बोलते हैं ना 100 ड्रेस 500 ड्रेस जकात के हिसाब के तहत या तोहफे के तहत, वैसा कुछ गुंजाइश? हमारे पास में आपको जकात के ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, हमारे पास में जकात में देने के लिए भी बहुत सारी वेराइटी होती है। हमारे कई औरंगाबाद के नामचीन लोग हमारे घिरा के, जिनको डायरेक्ट कपड़ा हम बॉम्बे गुजरात से डायरेक्ट मंगा के देते हैं, होलसेल के अंदर उनको माल जाता है। सर आपकी दुकान शॉप कब खुलती है, कब बंद होती है, इसके बारे में? देखिए हमारे नरगिस कलेक्शन का बिजनेस टाइमिंग जो है, हम लोग सुबह 11:30 बजे दुकान खोलते हैं। अभी रमज़ान में थोड़ा मार्केट के हिसाब से जो है जल्दी बंद हो जाता है, 12 बजे तक हम कस्टमर को सर्विस देते हैं। देखिए भाई, हमारा तो 12 महीने का शोरूम है, हमारे पास में आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी सीज़न में आएंगे आपको वैरायटी तो हमेशा रहती है। और इस साल रमज़ान के अंदर हमने बहुत सारी वैरायटी लाई है, और इंशाल्लाह चांद रात तक के जो है हम आपको वैरायटी देंगे। आप सुबह फजर की नमाज तक भी आएंगे इंशाल्लाह चांद रात के दिन, तो हमारे पास वैरायटी आपको भरपूर मिलेगी। सर समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो हाथ मजदूर कहलाते हैं, उसका भी दिल चाहता है कि मैं एक बड़ी दुकान पर जाऊँ, मेरे बच्ची की मतलब ईद करूँ, तो ऐसे लोगों के लिए भी गुंजाइश है? भाई हमारे पास में हर किस्म, हर तबके के ग्राहक के लिए मनपसंद चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कोई गरीब है जिसको कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सका, तो हमारे पास 500 रुपये से भी ड्रेसेस है हमारे पास, 500 रुपये में, 700 रुपये में, नायरा सूट्स भी हमारे पास 700 रुपये से स्टार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बजट, हर बजट के हिसाब से हमारे पास में वैरायटी अवेलेबल है। आप दुकान में खड़े हैं और जाहिर सी बात है खरीदी के लिए आए, पहले ये बोलिए नरगिस दुकान का तजुर्बा आपका कैसा है? एकदम बेस्ट है सर, इस दुकान का तजुर्बा ऐसा है कि यहाँ कपड़ा भी अच्छा मिलता है और वाजिबी रेट में मिलता है, और इस दुकान से ख़रीदी तकरीबन हम जो है तो 20-25 साल से करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कपड़ा ले आने के बाद ऐसा महसूस हुआ यार ये कपड़ा हल्का निकल गया, भारी निकल गया, ऐसा कुछ रहता है? वो तो हम हमारी पसंद से ले जाते हैं ना। अच्छा, तो हम तो क्वालिटी बेस्ट है ना सर, आपको ये बताया हूँ, कपड़ा भी अच्छा रहता है। अच्छा, भाव तो हमें क्या है, रेट एकदम वाजिबी है, बोला ना मैं आप, क्योंकि सिटी चौक का इलाका है, हमारा खुद का सर्वे भी रहता है, कॉम्पिटिशन है जी। अब ये अगर 1200 देते हैं, सामने वाला बंदा 1100 देता है, ऐसा कॉम्पिटिशन देखने में आता है, तो कैसा लगता है आपको? जी पैसे की तो बात नहीं है, मगर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़, तो क्वालिटी एकदम बेस्ट है, इतना ही कहूँगा मैं। और दूसरे लोगों के लिए भी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे कपड़े बहुत बेहतरीन और सस्ते मिलते हैं, अच्छे से अच्छा मिलता है कपड़ा, ऐसा नहीं कि सस्ता है तो कपड़ा ख़राब है, बेस्ट कपड़ा रहता है सब। ऐसे नए लोग जो ईद मनाने वाले हैं, नए ग्राहक जो आते हैं औरंगाबाद शहर में, उनको क्या मशवरा देंगे बतौर ग्राहक के आप? सबको ये मशवरा दूंगा मैं कि आप अपनी अपनी पसंद से ख़रीदिए कपड़ा, और इस दुकान पे एक बार विजिट दे देना, 10 दुकान घूमना, फिर इस दुकान के ऊपर आके ले लेना। सर आप पूरे परिवार की खरीदी यहाँ से करते हैं क्या, कुछ अलग ऐसा कुछ है? जी मेरे पूरे परिवार की खरीदी यहीं रहती है, मेरे ऊपर पूरी फैमिली बैठी हुई है, शादी ब्याह की खरीदी पूरी टोटल यहीं से होती है मेरी।
खरीदी किया है जी जी, और हमारा सर्वे चल रहा है जी जी, पूरा मार्केट हम घूम रहे हैं जी। ये बताइए आपको कपड़ा कैसा लगा, सस्ता है महंगा है कैसा लगा? हम बहुत से दुकान जाकर आए, ऐसा कपड़ा कहीं नहीं देखा हमको, हम हमेशा यहीं से लेते, यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, गारंटी से यहीं आते हैं, हर साल यहीं आते हैं, यहीं से लेते हैं, कम से कम दो साल, दो तीन साल, तीन साल हो गए यहाँ से लेते हैं। हाँ, तीन साल, तीन साल का रिजल्ट आपका अच्छा है? अच्छा है। मतलब मार्केट के जो रेट होते हैं कम ज़्यादा, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मार्केट में तो अभी घूम के आ रहे हैं, बहुत रेट है। अभी ये ड्रेस हम लेने गए थे, अभी 1800-2200 रुपये में मिला हमारे, तो हम वहाँ से छोड़ के फिर ये दुकान पर आए हमको, क्योंकि हम हर साल यहाँ से लेते हैं, और बीच में भी कभी भी आए तो कपड़े यहाँ से लेके आते हैं, हमारे को बहुत रिजनेबल रेट मिला है यहाँ पे, और अच्छा रेट, यानी मुतमईन और बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, नरगिस कलेक्शन, ये औरंगाबाद ज़िले की एक मराठवाड़ी की एक नामचीन दुकान है, और जब भी ईद का त्यौहार आता है तो गरीब से गरीब ये चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं बेहतर से बेहतर कपड़े बनाऊँ, और हमारा आने का एक मकसद था, ऐड तो होता है, इश्तिहार तो होता है, एक आम बात सी है, लेकिन ये आदमी सोचता है कि बड़ी दुकान होगी, मेरे जेब में उतने पैसे हैं या नहीं है, एक तस्वीर भी पाया जाता है, लेकिन हमने बहुत खुल के पूछा है कि एक ऐसा गरीब आदमी जो आपके अगर सीढ़ी चढ़े वो मायूस ना लौटे, तो यहाँ के जो ऑनर है उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि गरीब से गरीब भी अगर हमारे दुकान पे सीढ़ी चढ़ता है तो मायूस नहीं लौटेगा, 500 रुपये से लेता है, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, जो आपका एक शौक है, एक आर्ट्स है, लेते ना, एक हम पैटर्न पहनना चाहते हैं, ये सब दस्तियाब है। और ख़ासकर बातों बातों में एक बहुत हमने बात सवाल किया है कि हमारे माशरे में, समाज में ज़कात का एक निज़ाम है, और बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि अगर मेरी बेटी 5000 का ड्रेस पहन रही है तो मैं पड़ोसी गरीब बच्चों के 1000 का ड्रेस दिला दूं, ये समाज में दर्द पाया जाता है, तो उस एहसास को भी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि वो उस चीज़ के वो ड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, ताकि अगर कुछ लोग गरीबों को अगर अपनी ईद में शामिल करना चाहते हैं, वो माल, वो वेराइटी, वो कपड़ा है दस्तियाब है, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ईद का अब आखिरी लम्हे चल रहे हैं, इसके बाद 7-8 दिन बचने वाले हैं, आपको हमारे SDM चैनल की ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देखिए रमजान का महीना चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं जरा वक्त से पहले आइए, सुबह आइए, दिन दिवाले आराम से खरीदी कीजिए, क्योंकि रात में रश हो जाता है, और ख़वातीन हमारी माँ बहनों को तकलीफ भी हो जाती है, ट्रैफिक के मसले होते हैं, तो बहुत बेहतर है कि आप असर मगरिब से पहले आने की कोशिश करें, जो भी आपको खरीदी करना है ये हमारा एक मशवरा है, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे और अपनी ईद को बहुत चार चांद लगाते हुए मनाने की कोशिश करेंगे।